अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट जाने, पाई बराबर सी आर टी पूरा कॉन्सेप्ट जाने, फिर जाने ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बोलेंगे उसके बारे में जाने। अब हम थोड़ा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, और वैसे डिफिनेशन जो है वो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं। वैसे आइसो का मतलब ये होता है सेम या इक्वल, सेम या इक्वल। आइसो वर्ड आइसो मीन्स क्या, सेम ना, सेम इक्वल सिमिलर बराबर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हुआ, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहे लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक ही तापमान पे, एक नियत तापमान पे, हम उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोनिक। मतलब दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तब कहलाएगा जब उस दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखा रहे इसका मतलब क्या समझना कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तब ये उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन सामने आए तो क्या समझना कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, सेम समान तापमान पे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, समान होगा दो सॉल्यूशन का। तो नीचे लिखिएगा पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू और मोर सॉल्यूशन having same osmotic pressure at constant temperature is known as isotonic solution. हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन ए लेते हैं और एक सॉल्यूशन बी लेते हैं। तो बताइए पाई ए मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ए सॉल्यूशन का बराबर क्या हुआ, सी ए आर टी ए हुआ ना। आर ए क्यों नहीं लिखेंगे कि आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, जो इस सॉल्यूशन के लिए होगा वही इस सॉल्यूशन के लिए भी होगा। तो पाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी आर टी बी हो जाएगा, हो जाएगा ना। बोलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फोर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या सब बराबर होता है, बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है ना, पाई ए बराबर क्या, पाई बी। अरे तो दोनों सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन ए है सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, तो दोनों सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर है, मतलब पाई ए बराबर क्या, पाई बी। और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ना, मतलब टेम्परेचर भी क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। देन तब आप क्या लिखेंगे, पाई ए बराबर पाई बी, मतलब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, पाई की जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पाई ए बराबर पाई बी। तो पाई ए की जगह पे इतना लिखेंगे, मतलब पाई बी की जगह पे इतना लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सी ए आर टी ए टी ए इक्वल टू क्या, सी बी आर टी बी, सी बी आर टी बी टी बी लिख सकते हैं ना, और टी ए बराबर तो टी बी है ना, तो टी बी की जगह पे टी ए लिख दे, बताइए लिख सकते हैं ना। तो टी ए भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, आर आर भी कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या बच गया, सी ए इक्वल टू क्या, सी बी। मतलब यहां से हम क्या जान लिए, एक बात और ये तो जान लिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है और टेम्परेचर भी क्या होता है, बराबर होता है। और साथ में यहाँ पे हम क्या जान लिए कि कंसंट्रेशन भी क्या होता है,
बराबर। कंसंट्रेशन मीन्स क्या, मोलारिटी। मतलब यहाँ पे ये जान लिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर बराबर, टेम्परेचर बराबर, और उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आइसोटोनिक फ्रॉम एवर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन मीन्स मोलारिटी। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी ना, उतारिए इसको, बहुत इंपोर्टेंट।